महापुरुष वचन किया करते कि चार जुगतियां हैं इन्हें अपना लो। बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं पर साध संगत जी बहुत काम की। सबसे पहली बात, रात के समय भोजन जल्दी कर लिया करो और कम खाया करो कि भूख लगी रहे। महापुरुषों के वचन है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, कि जब रात के वक्त कम खाते हैं भूख लगी रहती है तो अमृत वेले नींद अपने आप खुल जाती है। अगर ज्यादा खाकर सोएंगे तो सुस्ती पड़ जाती है। राबिया ने क्या कहा? राबिया ने यही बात कही कि आज रात को मैंने भोजन ज्यादा खा लिया और अमृत वेला मेरा छूट गया। दूसरा वचन, पहला वचन कि कान खाना कम खाओ, दूसरा वचन, ज्ञानी पिंदरपाल जी एक बात कहा करते थे, कहते थे बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं हमारी अरदास करो हम अमृत वेले उठे, हमारा मन करता है हम उठ नहीं पाते, हम अमृत वेला संभाल लें हमारी अरदास करो। तो ज्ञानी पिंदरपाल जी कहते थे कि मैं ये अरदास करूंगा कि तुम्हारा रात को सोने का समय संभाल लो। अरे सोने का समय संभालोगे तो अमृत वेले उठोगे ना। अगर सोएंगे ही अमृत वेले एक बजे और अरदास करेंगे कि हम अमृत वेले उठे, ये तो मजाक हो गया। अमृत वेले सोकर कह रहे हैं कि अमृत वेले उठे। अगर अमृत वेला संभालना है तो रात का सोने का समय संभाल लो। सारी बातों में हमारा उल्लासनगर तो एक नंबर पे है ही, एक एक बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। महापुरुषों के वचन है कि 16 घंटे दुकान खोलने वाला उसकी कमाई उसके घर की बरकत देख लो। जो अमृत वेले ना उठता हो एक तरफ रख लो उसे, 8 घंटे दुकान खोलने वाला पर अमृत वेले उठने वाला हो उसके घर की बरकत उससे कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि देने वाला गुरु है। अमृत वेले उठेंगे तो वो तो दाते लिए बैठा है। चाहे 16 घंटे दुकान खोलो चाहे 18 घंटे, अगर अमृत वेले नहीं उठते किसी काम के नहीं, बरकत ही नहीं पड़ेगी। पड़ भी गई बरकत तो कोई ना कोई दुख आएगा, माया ऐसे ही निकल जाएगी। अमृत वेले उठेंगे जो बरकत पड़ेगी कोई दुख आएगा ही नहीं, माया व्यर्थ जाएगी ही नहीं। संभालो अमृत वेले, उठना जप, उठना जप, उठना जप, जरूरी और अहम बात। जो लोग अमृत वेले सच में उठना चाहते हैं ना, सच में सिर्फ ऊपरी ऊपर से ना कहें, तो महापुरुष वचन किया करते थे राज को 5 स्नान करके हाथ पैर मुंह धोकर सिरहाने बैठकर चौंकड़ी मारकर एक पाठ जपजी साहब जी का कर ले, एक पाठ जपजी साहब जी का करके अरदास कर दे। बहुत सारे लोगों को जपजी साहब जी का पाठ नहीं आता। जपजी साहब जी के पाठ की बड़ी महानता है साध संगत, ये जो यहाँ पर 13 पाठ जपजी साहब जी के 40 दिन रखे गए हैं, इसीलिए रखे गए हैं ताकि आप लोग पढ़कर अपना जीवन सफल कर सको। आपको ये बाणी पढ़नी आ जाए इसीलिए हिंदी में रखें। जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा ना, सिर्फ 15 मिनट आधे घंटे की हाजिरी भर लिया करो, हो सकता है गुरु कृपा कर दे, हमेशा का नियम बन जाए। बाबा जी कहते थे एक बार जपजी साहब जी का करके अमृत वेले अरदास करो, कि पाछा कि अमृत वेले उठा नहीं जाता, तू बाह पकड़ के उठा दे, रात को सोते वक्त अरदास कर दे सिख। तो कहते थे अमृत वेले गुरु नानक पाशाह आलस नहीं आने देते, कि इसने सिर्फ बातें नहीं की हैं, रात को नाम भी जपा, एक पाठ जपजी साहब जी का नित्यनेम के अलावा किया है, वहां पकड़ के गुरु नानक पाशाह खुद उठा दे। अब इतना करना तो आपका फर्ज है, कम खाना टाइम पे सोना। अगर नहीं करेंगे तो अमृत वेला बन भी गया, थोड़े दिनों में छूट जाएगा। अगर हमेशा के लिए चाहिए ये अमोलक दात तो इन चीजों को अपनाओ। एक दिन ऐसा आ जाएगा फिर चाहे सोए हो या ना सोए हो अमृत वेला नहीं छूटेगा, पर पहले ये सब करना पड़ता है, पहले मेहनत करनी पड़ती है। किसी ने पूछा ये अमृत वेला ही क्यों बताते हो?
सिमरन का समय अमृत वेला है क्यों बताते हैं? तो महापुरुषों ने समझाया, जब कोई आदमी गाड़ी सिखाता है, नया नया गाड़ी सीखना शुरू करता है, तो सिखाने वाला खाली रोड पर ले जाता है जहां पर ट्रैफिक कम हो या ना हो, क्योंकि जब गाड़ी सीख रहा है तो क्लच पे भी ध्यान जा रहा है, ब्रेक पर भी जा रहा है, गियर पे भी जा रहा है, स्टीयरिंग पे भी जा रहा है, तो खाली रास्ता चाहिए। अब जब अभ्यास करते करते गाड़ी पूरी चलानी सीख लेता है तो चाहे कितना भी भीड़ भड़क्का हो, गाड़ी निकाल कर ले जाता है साथ से। महापुरुष वचन किया करते थे, अमृत वेले के समय जब नाम जपते हैं ना, तो विचारों का ट्रैफिक ना के बराबर होता है, ना आप कहीं जा सकते हो, ना कोई आपके पास आ सकता है, ना कोई फोन बजेगा, ना कोई मन में विचार आएगा, आप चाहकर भी कोई काम कर नहीं सकते, विचारों का ट्रैफिक बहुत कम होता है। इस वक्त सिमरन की गाड़ी दौड़ाना बड़ा आसान होता है। अभ्यास करते करते, सिमरन करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि दिन के समय विचारों के ट्रैफिक के बीच में से भी सिमरन की गाड़ी निकाल कर ले जाओगे, मन जुड़ा रहेगा, पर पहले पहले अमृत वेले उठना पड़ेगा। कम विचारों में मन बहुत जल्दी जुड़ता है। अब जो लोग 5 अक्टूबर से आएंगे वो आकर देखें कितनी जल्दी अमृत वेले मन जुड़ता है। आकर देखिए, सच कहता हूं, जो जो आएगा वो सारी जिंदगी गुरु का शुक्रगुजार करते नहीं थकेगा कि हमें क्या मिल गया। उठकर देखो, और जो नहीं उठ पाया, इस बार भी नहीं उठ पाया, इतना सुनने के बाद भी नहीं उठ पाया, मानो उसने सारा समय व्यर्थ गवा लिया साथ से। ना कुछ सुना, सिर्फ आया और चला गया खाली।